रिन्यू होता है, जो काम चल रहे हैं या कहीं पे कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो इनका रिन्यू हो रहा है। तो आज बहुत सारे मसाइल उठे, हर PRIs ने, सरपंचों ने, यहाँ पे DDC BDC ने अपने अपने मसाइल बोले हैं कहाँ पे काम रुक रहा है। लेकिन मैक्सिमम देखा जाए तो बांडीपुरा में डेवलपमेंट का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है और हर किसी इलाके में काम चल रहा है, लेकिन अभी और करने की ज़रूरत है। ज़्यादातर आज मसले बिजली से रिलेटेड हुए हैं और कुछ कामें थे ब्लॉक्स में जो रुके हुए थे तो उनका भी उजाला हो गया और हमें काफ़ी उम्मीद है अपने डी साहब से कि आने वाले वक्त में जो और एक इनिशिएटिव खासकर यहाँ पे लिया गया है जो नेजबल पंचायत, उसको सोलर पंचायत बनाया जाएगा, वहाँ से सोलर जनरेट किया जाएगा और जो पंप्स है वो सोलर पंप्स वहाँ पे बनाए जाएंगे। तो काफ़ी इनिशिएटिव लिया गया है, लेकिन ये हर पंचायत को, हर सरपंच को अपने गांव में करना चाहिए और ब्लॉक दिवस का मकसद यही होता है कि गांव का रिन्यू लेना है और कामों का रिन्यू लेना है। हमारी तरफ से भी गुजारिश रही PRIs को कि जो जो आपके काम चल रहे हैं, ऑनगोइंग हैं, वो PRI ग्रांट हो, BDC ग्रांट हो, DDC ग्रांट हो, ज़रा वो नियर कंप्लीशन है उनकी बिलिंग प्रोसेस और उसको मॉनिटर करें कि टाइमली पेमेंट्स हो जाए और टाइम पे पैसा जो है वो जो ठेकेदार है उनको मिल जाए। दूसरा, उसके साथ साथ यहाँ पे एक डिस्कशन हुआ PMAY यानी कि जो मकान दिए जाते हैं ऐसे डिजर्विंग लोगों को, जो छूट गए हैं उनका दोबारा से सर्वे होना है, तो उसमें वो कैंप्स लगाए जा रहे हैं ब्लॉक में, उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और जो कोई लोग इसमें छूट गए हैं उनको वापस ऐड उनको उस लिस्ट में ऐड करिए। इसके अलावा PM KUSUM के अंदर सोलर वाटर पंप्स दिए जा रहे हैं जिसमें 20% खाली जो फार्मर है उसको पे करना है और बाकी जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी है, वो भी ये लिमिटेड टाइम के लिए है, ज़रूरी है कि वो भी लगाए जाएं। उसी के साथ साथ सोलर रूफटॉप यानी कि जिससे घर में बिजली जनरेट कर सकते हैं, अपनी छत के ऊपर रूफटॉप लगा सकते हैं, उस पर भी सब्सिडी है, 60% है, 65% है, अलग अलग है, ये लगाना ज़रूरी है ताकि आपकी जो बिजली की जो दिक्कतें हैं वो भी काफ़ी कम हो, आप बिल भी कम आए और ये जनरेशन भी होती रहे।